वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। मैं सौम्या पांडे आपका इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे स्वागत करती हूँ। आपके अपकमिंग एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए अन अकेडमी ने टॉप एजुकेटर्स के टॉप बैचेस लॉन्च किए हैं जो 18 अगस्त से लॉन्च हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। एक नज़र हम उन बैचेस पे डालेंगे और फिर अपने टॉपिक पे आएंगे। टीम ऑल स्टार्स ये SSC CGL और CHSL के लिए स्टार्ट हो रहा है 18 अगस्त से। TET ब्रह्मास्त्र बैच ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए है, ये 18 अगस्त को आ रहा है। SSC CGL और CHSL सफलता बैच लॉन्च हो रहा है 18 अगस्त से। अगर आप इन सारे बैचेस में पढ़ना चाहते हैं और अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा और उसकी डिटेल मैं आगे बताऊंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप आस्क अ डाउट बाय अन अकेडमी यहाँ पे जाके अपना सवाल पूछ सकते हैं। सबसे खास बात है कि अगस्त ऑफर्स चल रहे हैं SSC एग्जाम्स के लिए। अन अकेडमी ने 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ 3 महीने का 3 मंथ, ध्यान से सुनिए, 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री दिया है। अगर आप 1 साल का लेते हैं तो आप यहां देख सकते हैं कि 1 साल की फीस है आपकी मात्र 5,850 रुपये। कितनी है? 5,850 ओनली, ठीक है। तो आपको 1 साल के साथ 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। अगर आप दो साल का लेते हैं तो आपको 6 मंथ का फ्री मिलेगा, यानी 24 के साथ 6, यानी 30 महीने मात्र 7,000 रुपये में, 7,020 रुपये में। तो मुझे लगता है अगर किसी बच्चे ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ये टाइम अगस्त महीना उसके लिए बहुत बेस्ट है। आपके एग्जाम्स इन्हीं 1-2 महीने में होने वाले हैं, सारे एग्जाम्स अब बस 2 महीने के बीच में होंगे। तो अभी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको अगस्त से बेहतर महीना नहीं मिलेगा सब्सक्रिप्शन के लिए, क्योंकि अभी बहुत ही अच्छा ऑफर अन अकेडमी पे चल रहा है। SSC कॉम्बैट ये एक टेस्ट है जो एवरी संडे हर रविवार को दोपहर में 12 बजे होता है। इस पे इनरोल करने के लिए आप SAA10, ये मेरा कोड है, इससे आप बिल्कुल टेस्ट फ्री दे सकते हैं, फ्री टेस्ट आप दे सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है। और अगर आप SSC पे सब्सक्रिप्शन चाहते हैं, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप SAA10, ये मेरा कोड है, इसे यूज़ करके 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो मंथ है अगस्त, इसमें अगर किसी बच्चे ने नहीं लिया है सब्सक्रिप्शन तो अभी देरी नहीं हुई है, बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है और आप ज़रूर सब्सक्रिप्शन लीजिए, ठीक है। देश में कोरोना की वर्तमान स्थिति, आज हम बात करेंगे देश में जो वर्तमान स्थिति है कोरोना की, उस पर बात करेंगे। कोरोना वायरस के मामले में उतार चढ़ाव जारी है। देखा गया था कि बीच में कोरोना के मामले 30,000 से कम आने लगे थे, लेकिन आज की ताज़ा खबर अगर देखें, आज की रिपोर्ट के अनुसार अब मामले 40,000 से पार हो गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हमने देखा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, वो तेज़ी से पैर पसार रहा है। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पूतनिक वी क्या है? कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए भारत क्या क्या कर रहा है, क्या प्लानिंग है उसकी, और विशेषज्ञों ने क्या सुझाव दिए हैं इसके लिए, और कौन सी वैक्सीन है जिनका ट्रायल चल रहा है, जो कतार में है, वैक्सीन जो है कतार में, इन सारी बातों पे आज हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कोरोना वायरस भारत समेत दुनिया भर के 190 देशों से भी ज़्यादा देशों ने इस कोरोना की चपेट में बहुत कुछ खोया है। 20 करोड़ 40 लाख से भी ज़्यादा वायरस की चपेट में आ चुके हैं। अगर हम देखें कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पूतनिक वी ये क्या है और किस कंपनी ने इन्हें बनाया है, इससे पहले हम जानेंगे कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है, ये डेल्टा वेरिएंट को WHO ने बोला था कि ये वायरस ऑफ कंसर्न है, मतलब कि चिंताजनक वेरियंट करार दिया था WHO ने डेल्टा वेरियंट को। अब ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, ये डेल्टा वेरिएंट का ही म्यूटेंट फॉर्म है, उसके म्यूटेशन से बना है डेल्टा प्लस वेरिएंट। और अब बताया जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसका भी म्यूटेशन हो रहा है, और लैम्डा और कप्पा जैसे जो वायरस हैं वो तैयार हो रहे हैं, वो पैदा हो रहे हैं। तो स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। हम देख सकते हैं कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, ये सभी चीज़ें मतलब एक भूल चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी के लिए सबसे बेस्ट है कि आप जो नियम बनाए गए थे, जो पहले हम पिछले एक साल से जिसे फॉलो कर रहे थे, उसे फॉलो करते रहना चाहिए, क्योंकि तीसरी लहर, विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी लहर कभी भी आ सकती है।
कोई कह रहा है अगस्त लास्ट में, सितंबर में आएगा, तो कोई इसका अभी पुख्ता सबूत नहीं है। तो हमें लगता है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी चाहिए। और अगर आप बाहर कम से कम निकले, घर रह के पढ़ाई करें, ऑनलाइन पढ़ाई करें, और ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया है, आप वापस से जाके अगस्त ऑफर में देख सकते हैं कि आपको कितना फायदा हो रहा है और कितने सस्ते में आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, कोविशील्ड की अगर हम बात करें तो कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। किसने बनाया है? पुणे की एक कंपनी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसने तैयार किया है कोविशील्ड की वैक्सीन को। ये कैसे बनी है? तो कोविशील्ड की जो वैक्सीन है वो चिंपैंजी के सामान्य सर्दी के वायरस, जिसे एडिनो वायरस, क्या एडिनो वायरस के कमज़ोर वर्जन से बनाया गया है। वैक्सीन को जब मरीज के शरीर में इंजेक्शन के जरिए पहुंचाया जाता है तो शरीर के इम्यून सिस्टम को वैक्सीन बनाने के लिए संकेत करता है और कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ लड़ाई करता है। कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो या स्पूतनिक वी हो, इन तीनों वैक्सीन के लिए 2 से 8 डिग्री, कितना, 2 से 2 to 8 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो सुरक्षित माना गया है। मतलब इन टेम्परेचर के बीच दवा को सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर इसके इफेक्टिवनेस की बात करें कि ये कितना इफेक्टिव है, कितना असरदार है, तो विशेषज्ञों ने बताया है कि कोविशील्ड जब दोनों डोज लगने के बाद 90% तक असरदार साबित हुई है। कोवैक्सीन की अगर हम बात करें तो इसे भारत बायोटेक हैदराबाद स्थित दवा कंपनी ने तैयार किया है। हैदराबाद में स्थित दवा कंपनी है भारत बायोटेक, उसने कोवैक्सीन को तैयार किया है। ये एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। क्या मतलब है इसका? इनएक्टिवेटेड मतलब सॉरी, यह मरे हुए किससे, मरे हुए कोरोना वायरस से बनाई गई है। ठीक है, इसे सुरक्षित तरीके से शरीर में पहुंचाया जाता है और ये मरे हुए कोरोना वायरस से बनाई गई है। और इसे किसे तैयार किया है? भारत बायोटेक, जो कि हैदराबाद में स्थित दवा कंपनी है। स्पुतनिक भी, इसे किसे बनाया है? इसे मास्को के गामालेया इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। किसे तैयार, किसने तैयार किया है? मास्को के गामालेया इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। इसमें क्या है? इसमें सर्दी के वायरस, इसमें भी सर्दी का ही वायरस इस्तेमाल हुआ है, जिसको हानि रहित बना के और कोरोना वायरस के छोटे से अंश को शरीर में पहुंचाया जाता है, जो वैक्सीन लगने के बाद शरीर में एंटीबॉडी पैदा करता है। ठीक है, इतनी बातें आपको आई होप समझ आई हो। कोरोना, अब हम देखेंगे कि कोरोना की जो तीसरी लहर अभी आई है, जो आने वाली है, कहने के हिसाब से कुछ लोग कह रहे हैं आ चुकी है, कुछ कह रहे हैं आने वाली है, तो उससे बचने के लिए भारत की क्या प्लानिंग है, भारत क्या क्या कर रहा है? तो सरकार ने अब वैक्सीन के उत्पादन और खरीद में तेजी दिखाई है। अब वैक्सीन का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ गया है। भारत ने क्या किया है? भारत ने अब जो जॉनसन एंड जॉनसन की जो सिंगल डोज वैक्सीन थी उसे आपातकालीन स्थिति में मंजूरी दे दी है, आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान कर दी है। ये है जॉनसन एंड जॉनसन सिंगल डोज वैक्सीन, इसे अब मंजूरी दे दी है भारत सरकार ने। अब भारत ने लगभग अब तक 50 नहीं 52 अब तक 52 करोड़ डोजेज जो है वो दिए जा चुके हैं। कितने? 52 करोड़। सरकार ने स्थानीय स्तर पर नोवावैक्स वैक्सीन के स्थानीय संस्करण के इस्तेमाल की तैयारी कर ली है, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। जो नोवावैक्स वैक्सीन है इसके इस्तेमाल की, स्थानीय स्तर पर इसके इस्तेमाल की तैयारी पूरी हो चुकी है और इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे विशेषज्ञों के सुझाव की। पारदर्शी राष्ट्रीय मूल्य नीति बनाना चाहिए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जितने भी आवश्यक सेवाएं हैं, आवश्यक सेवाएं जैसे एम्बुलेंस, जरूरी दवाएं, ऑक्सीजन की कमी, अस्पताल में जो खर्चे होते हैं, इन सब पे एक नियंत्रण लगाना चाहिए, इनकी एक सीमा निर्धारित करनी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे पारदर्शी राष्ट्रीय मूल्य नीति बनेगी। ठीक है, और दूसरी सलाह इन्होंने दी कि स्थानीय भाषाओं में अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश शामिल होने चाहिए। इसका क्या मतलब है? कि कोविड-19 से जुड़ी जितनी भी खबरें हैं, जितने भी प्रबंधन हैं, इनकी साक्ष्य के साथ जानकारी लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जानकारी का ज्ञान लोगों को होना चाहिए। ठीक है, बाजार तंत्र पर नियंत्रण
नहीं बाजार तंत्र पर नहीं छोड़ना चाहिए। इसका क्या मतलब है? जो ये वैक्सीनेशन का काम हो रहा है ये सार्वजनिक हित के लिए हो रहा है। किस लिए हो रहा है? सार्वजनिक हित के लिए हो रहा है, तो इसे बाजार तंत्र पर छोड़ना सही नहीं है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मिलाकर इस्तेमाल करने पर शोध क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने भारत की दो महत्वपूर्ण वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड को मिलाकर दोनों को मिलाकर यूज करने की शोध की अनुमति दे दी है। और ये कार्य किसे दिया है? शोध और उसके ट्रायल का जो कार्य है वो वेल्लूर स्थित क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज को दिया गया है। किसे दिया गया है? वेल्लूर में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज को दिया गया है। कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो कतार में है? इसका क्या मतलब है? जो जिनका ट्रायल चल रहा है और जो जिनको मान्यता देने की बात चल रही है। ZYCOVDI ये वैक्सीन है जो अहमदाबाद स्थित दवा निर्माता कंपनी जायडस कैंडिला ने तैयार किया है। किसने तैयार किया है? अहमदाबाद स्थित दवा कंपनी है जायडस कैंडिला। दूसरी है HGCO19 ये भारत की पहली mRNA आधारित वैक्सीन होगी जिसका ट्रायल अभी चल रहा है। भारत बायोटेक के नाम से ली जाने वाली वैक्सीन का भी ट्रायल जारी है। ये ऐसी वैक्सीन है जिनका ट्रायल चल रहा है और ये इन्हें मंजूरी जल्द ही मिल जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी वैक्सीन है जिनका ट्रायल अभी जारी है और अभी हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन को आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी गई है। ये तमाम खबरें जो COVID-19 से जुड़ी हैं हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी हैं और हमें इन पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। एक बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो तुरंत करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जिन भी बच्चों को अगर पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई को लेके सीरियस हैं तो उनके लिए अगस्त महीना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें अनअकैडमी बहुत सारे ऑफर्स लेके आ रहा है। आपको एक साल के सब्सक्रिप्शन के साथ थ्री मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। दो साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये आपके लिए कितना सस्ता पड़ेगा। तो मैं आपसे बोलूँगी कि अगर किसी बच्चे ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो वो अभी जाए और ऐप को डाउनलोड करे। आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। अगर समझ आई हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।